एक पोर्शन आता है अपना पैसिव वॉइस का, यानी एक्टिव से पैसिव बनाना। सरल है, कोई कठिन नहीं है। नियमों को पहले हम देख चुके हैं, केवल वाक्य को बनाना आना आवश्यक है कि वाक्य किस तरह बनाया जाएगा, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। जैसे माई मदर कुक्स फूड इन द किचन। एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो अपने को सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का ज्ञान होना आवश्यक है। माई मदर यहाँ सब्जेक्ट है, कुक्स पकाता है, पकाना क्या हो गई, क्रिया हो गई, फूड ये ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। और जब हम एक्टिव से पैसिव वाक्य को बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है फूड, आ रहा है फूड, पहला ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेंगे, दूसरा नहीं लेंगे। इस ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, सब्जेक्ट में फूड आ गया, ठीक है। अब दो नंबर पर आता है टेंस का नियम क्या कहता है। ये कुक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है के साथ एस या एस लगा हुआ है, तो अपने को इज आर एम का प्रयोग करना है। फूड एक वचन है इसलिए इज लग जाएगा। कुक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, कुक्ड हो जाएगी, बाय माय मदर। सब्जेक्ट बाय लगा के लिख दिया। दूसरा इन द किचन पीछे डाल दिया, इन द किचन, इसको एज इट इज उतार देना है दूसरे ऑब्जेक्ट को। समझ में आ गई एक्टिव से पैसिव किस तरह बनाना है। एक और दिखे, जैसे ही टीचर्स अस साइंस, वह हमें विज्ञान पढ़ाते हैं, पढ़ाता है, तो यहाँ पर ये ही है, ये सब्जेक्ट है, टीचर्स है, ये क्या है, वर्ब है, अस ऑब्जेक्ट है, साइंस भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये डबल ऑब्जेक्ट का वाक्य हो गया। दो ऑब्जेक्ट आ गए, अस भी ऑब्जेक्ट है और साइंस भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अपने को इस अस को वी में बदलना है, क्योंकि वी अस में बदल जाता है, अस वी में बदल जाता है, वी वी आ गया। अब नियम आप कहोगे कौन सा लग रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हो तो इज आर एम का प्रयोग करेंगे, वी के साथ क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। टीच की थर्ड फॉर्म पूछ रहा है तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट होती है, ठीक है। अब दो ऑब्जेक्ट थे, एक हमने यहाँ ले लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वहाँ इस वर्ब के बाद डाल देंगे, साइंस, ये देखो ये यहाँ आ गया। आगे सब्जेक्ट में ही था तो बाय लगा कर क्या कर देंगे, ही को हिम में, सी को हर में बदल देते हैं, तो वी आर टॉट साइंस बाय हिम। तो कठिन नहीं है, थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है तो आप आसानी से वाक्य को बना सकते हो। सोहन गिव्स मी ए होम, सोहन सब्जेक्ट है, गिव्स वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, ए होम भी ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट वाक्य हो गया, दो ऑब्जेक्ट आ गए। अपने को अगर बनाना है तो एक ऑब्जेक्ट मी है, एक ऑब्जेक्ट ए होम है, अपने को इस मी को आगे ले जाना है तो क्या बन गया, आई बन गया, आई आ गया। अब वर्ब में यही ध्यान रखना है, इन तीनों में यही आ रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जुड़ा हुआ है, वहाँ पर अपने को इज आर एम का प्रयोग करना है। आई के साथ एम लगता है तो यहाँ एम लग गया, यहाँ ही था
फूड एक वचन है, इज लग गया, वी बहुवचन है, आर लग गया, आई है तो एम लग गया, इसीलिए तीनों का अलग अलग बताया है। गिव की थर्ड फॉर्म लाओ क्या होती है, गिवन होती है, आई एम गिवन। क्या दिया दूसरा ऑब्जेक्ट है, ए होम, ये देखो ये यहाँ आ गया। बाय सब्जेक्ट क्या आ रहा है, सोहन आ रहा है, सोहन डाल देंगे। आई एम गिवन ए होम बाय सोहन। तो बस इसमें क्या ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आए तो अपने को सब्जेक्ट को देखकर इच आर और एम का प्रयोग करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इस नियम को ध्यान रखते हुए हम एक्टिव से पैसिव वाक्य को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, आसानी से आप बना सकते हो। नियमों का आपको पहले ही मैंने बता दिया कैसे नियम याद रखने हैं।